हेलो एवरीवन, आई एम गुल फ्रॉम सिलोन बाय गुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज जो है ना, आज आपके साथ डिस्कस ये करना है कि अगर आपके पास फेयर कलर में कोई क्लाइंट आता है और उसको बिल्कुल पिंकिश सा टोन चाहिए ना, तो आपने उसकी जो बेस है ना वो किस तरह से रेडी करनी है। बट आपने ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि आपके क्लाइंट का जो कलर है वो फेयर हो और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन ना हो, तब आप ये वाली जो बेस है ना इस तरह से रेडी करेंगे तो आपकी बहुत ही खूबसूरत एक पिंकिश सी टोन आपकी बेस में आएगी। आपने करना क्या है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं लाइट से तो आपने उनको सबसे पहले तो उनको आपने कंसील करना, उसके बाद आपने करना क्या है जनाब, उसके बाद आपने ये है एरिका ब्यूटी बेस की एक्वा केक। तो एक्वा केक में हमने जनाब इनका जो मिक्स किया था ना, हमने इनका मिक्स किया था पिंक, बिकॉज आज जो था ना हमें ये करना था इनको बिल्कुल ही फ्लॉलेस पिंकी पिंकी सा जो मेकअप होता है ना, जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो काशिज जो है मोस्टली अपनी जो ब्राइड्स होती है ना उनकी, तो उन पर यही वाली जो इस तरह से पिंकिश सी टोन में जो बेस पीची पिंक सा मिक्स करके करते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आज मैंने सोचा कि काशीज बेस तो जो लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड करते, तो इस तरह से कोई भी आपने किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी ब्रांड का मैं आपको आज मेंशन नहीं कर रही, बस जस्ट आपके साथ ये आइडिया शेयर करना था। ये नेक मैंने जो है ये छोड़ दिया है इसलिए कि मैंने आपको जो है रिजल्ट्स दिखाने थे कि अगर इस तरह से हम बेस करते हैं ना तो हमें अपने बेस के रिजल्ट्स जो है वो कैसे मिलते हैं। उसके साथ ही हमने आज मेकअप किया था, मेकअप दो तरह का आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अगर आपको जो है बहुत डार्क वाला मेकअप चाहिए तो आप फिर वो लाइट वाले मेकअप को ही डार्क में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो मैं कॉर्नर डार्क कॉर्नर ब्लैक वाला करती हूँ ना, तो बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा था कि ये वाला जो कॉर्नर है ना हमें भी बनाना है, हमें भी सीखना है। तो इस तरह से जो है इनर आपने गोल्डन करना है, उसके बाद आपने आउटर जो है किसी भी ब्राउन से किसी भी मरून कलर के साथ करके, उसके बाद आपने लाइनर जैसे लगाते हैं ना उसी लाइनर के ब्रश को आपने थोड़ा ड्राई लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट को भर के ब्रश के ऊपर नहीं लेना, आपने लाइट सा प्रोडक्ट लेना है। आपने जो लाइनर किया है उसी लाइनर को जो है ना आपने अच्छे से कॉर्नर तक ही उसको जो है अच्छे से आपने जस्ट जो होता है हाफ जैसे लाइनर लगाते हैं ना उस तरह से आपने हाफ लाइनर लगाना है, उसी लाइनर को जो है ना आपने अच्छे से मिक्स ब्लेंड कर देना है। तो आपकी बड़ी खूबसूरत ब्राइडल लुक में ये वाला मेकअप जो है वो आप कर लेंगे। उसके बाद आप अपने सेंटर में जो इनर कॉर्नर है आपका वहां पर आप जो है गोल्डन ग्लिटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ लोगों को मैट भी अच्छा लगता है, गोल्डन मैट और कॉर्नर ब्लैक, तो आप इस तरह से एज इट इज भी ये मेकअप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत लुक आती है। इससे भी थोड़ा सा लैशेस के बाद जो है आपका जो ब्लैक है ना उसको दोबारा से मैंने इनहेंस किया था, एज इट इज आप वो मेकअप भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लू स्मोकी ग्रीन स्मोकी पर्पल स्मोकी ब्लैक स्मोकी इस तरह से अगर आपको करना है, वही मेकअप आपने किया उसी में आप इस तरह से कोई भी कलर, आपको फ्रोजी आपके ड्रेस में कलर है, आपका ग्रीन कलर का ड्रेस है, आपका पर्पल ड्रेस है, आपका कोई भी कलर है ना, तो आप इस तरह से डार्क आइज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स मोस्टली होता क्या है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर हमने आइज जो है वो डार्क की हैं तो लिपस्टिक हमें जो है बहुत न्यूड लगानी है, हम लिपस्टिक भी डार्क लगा सकते हैं, इसमें रेड भी लगा सकते हैं, पिंक भी लगा सकते हैं, कुछ भी हम पर्पल भी लगा सकते हैं, कुछ भी हमारा जो दिल करे जो हमें अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने जो था इनका दो तरह का आज आपको फ्रेंड्स मेकअप बताया है कि आप दो तरह से मेकअप कर सकते हैं। ये मैंने आज जो है ग्रीन, फिर इनर में मैंने फिर से इनके गोल्डन, और जैसे ही कलर्स मैंने जो है इनके अपर आइज में यूज़ किए ना वही लोअर लैश के नीचे जो मैंने वही कलर्स जो है यूज़ किए हैं, फिर इनका जो है मैंने वाइट जो काजल है ना वो इनकी आंखों में अप्लाई किया था, हाईलाइटर इस तरह से किया था, इतनी खूबसूरत इतनी ज़बरदस्त इनकी आइज की लुक आ रही थी ना, मेरा कैमरा वैसे ही कैप्चर नहीं कर पाता। आई थिंक मुझे कोई अच्छी वाली जो लाइट है ना वो लेनी पड़ेगी थोड़ा सा जो है वो रियल जो दिखाने के लिए, बिकॉज समटाइम ऐसे होता है कि वो मेरी ऊपर फ्लोर पे लाइट्स है ना तो वो लाइट्स का शेडो पड़ता है तो वो इतनी अच्छी नहीं है। कुछ मेरी फ्रेंड्स ने बोला है कि आपकी लाइट अच्छी नहीं आती, वीडियो ब्लर आती है, तो यही रीज़न है। आई थिंक मैं इंशाल्लाह लाइट का भी करती हूँ ताकि आपके पास एज इट इज़ जैसा मेकअप हो वैसे ही आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स ये है हमारी जो इनोसेंट सी क्यूट सी आज की जो मेरी
स्टूडेंट है ना उसकी फाइनल लुक। तो इस तरह से हमने इनकी इस तरह से न्यूड सी लिपस्टिक की थी। आप इसके साथ जो है डार्क लिपस्टिक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लाइट लिपस्टिक लगानी है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अलॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।